हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द अभिमन्यु IAS. टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है और आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को लेकर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होंगी और बस आप लोग मेरे साथ यहीं पे जुड़े रहें क्योंकि आपको मैं करंट अफेयर्स के अंदर जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे सारे के सारे सॉल्व आउट मैं यहाँ पे कर दूंगा आप लोगों के लिए. हम लोग इन सेशंस के अंदर मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस यानी कि 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपको. क्लियर? और ये सेशन हम लोग 70 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे. कॉन्टिन्यूटी में रहेगा यानी कि मोर देन वन ईयर के करंट अफेयर्स आपको 70 डेज के अंदर कवर अप हो जाएंगे आपके बहुत ही अच्छे तरीके से विद द वेल एक्सप्लेन्ड मैनर. क्लियर है स्टूडेंट्स? और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे हैं. एक तो PDF को लेकर, तो मैं PDF को लेकर आपको एक बात बता देता हूँ कि हर एक सेशन में जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको एक लिंक वहाँ पे दिख जाएगा और वहाँ पे आप लोग जाकर अपना PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. और बात करें तो कॉन्टिन्यूटी की, तो ये 70 डेज के लिए जो आपका सेशन शुरू किया गया है ये कॉन्टिन्यूटी में ही रहेगा. अभी तक का हमने मार्च, अप्रैल, मई और जून के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लिया है. और अगर बात करें जुलाई की, तो हमारा 22nd लेक्चर जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर चुके हैं और आज हमारा 23rd लेक्चर भी माय डियर स्टूडेंट्स जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है. क्लियर है ना? और अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो मायसेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु IAS. तो अब शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन. अगर बात करें हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ की, तो वो रहेगी आपकी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे. क्लियर है? तो ये क्या चीज़ है इसको हम लोग आज बड़े आराम से देखते हैं. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा GS Paper 2 एंड GS Paper 3 के लिए. तो शुरू करें हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा. यहाँ पे लिखा द यूनियन कैबिनेट. अब जो यूनियन कैबिनेट है, ठीक है, जो बहुत बड़ा मंत्रालय रहता है, उन्होंने अप्रूवल दिया टू अ पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को. मैं इसको प्रीलिम्स के लिए पहले ही इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, याद रखना ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. अप्रूवल कौन सी स्कीम को मिल गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम को मिला, वो क्या चीज़ रहती है, वो होता है यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा किया जाता है फंड्स के ऊपर. टू इंजेक्ट फॉर्मल क्रेडिट इन टू द फार्म्स एंड द फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज. अब यहाँ पे जो भी नया स्टूडेंट आज मेरे साथ ज्वाइन किया है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ. हम लोग यहाँ पे हर एक न्यूज़ के ऊपर ना कोई कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स होती हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग डाटा ऐड ऑन करते हैं. तो मैं आज अभी पहले ही सेशन में डाटा ऐड ऑन करने जा रहा हूँ फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम. आप ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से. और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, हम लोग यहाँ पे जितना भी डाटा ऐड ऑन करते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से नोट ऑन कर लिया कीजिए. यहाँ पे लिखा ये स्कीम के बारे में कि इंडिया कंटेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम स्पेशल ग्रांट्स द यूनियन गवर्नमेंट provides. और क्या प्रोवाइड कर रही है आपकी यूनियन गवर्नमेंट? टू काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू द स्टेट्स. कि भारत सरकार दो ऐसी फाइनेंशियल हेल्प स्कीम्स लेकर आई है जिससे कि राज्य सरकारों की हेल्प की जाएगी. और उसके तहत नंबर वन आपकी क्या चीज रहती है, फर्स्ट इज योर सेंट्रल सेक्टर और दूसरा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहां पे दूसरा रहेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो दिस इज योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम. कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? यहां पे आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे करते जाएंगे. अब यहां पे लिखा कि
इट इज अ पार्ट ऑफ, अब ये जो हमने स्कीम लॉन्च की है ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये किसका पार्ट है? वो रहेगा 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अनाउंस किया गया था इन द रिस्पॉन्स ऑफ COVID-19 क्राइसिस। याद रखें 20 लाख करोड़ का, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसी के अंदर आती है। क्लियर? नेक्स्ट आया, द यूनियन कैबिनेट हैज़ ऑल्सो अप्रूव अमेंडमेंट्स। तो यूनियन कैबिनेट ने अमेंडमेंट्स को भी अप्रूव कर दिया, और वो कौन सी अमेंडमेंट है? वो रहेगी एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट, जिसको बोला गया ESA 1955। अब व्हाट डू यू मीन बाय ESA 1955? तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, अपने पास स्पेस काफ़ी रहेगी यहाँ पे। तो ये लिखा गया, कहते इट इज इनेक्टेड इन, कब हुआ था? 1955। और लिखा गया द एक्ट प्रोवाइड, और ये एक्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। अरे कंसेप्ट देखें आप लोग, एक्ट आ गया एक प्रोडक्शन के कंट्रोल को लेकर। कौन सा मैं बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं आपकी ESA की, मतलब एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट, जो 1955 में आया था, और वो प्रोवाइड किया गया ताकि कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन हो सके। और क्या हो सके? सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, इवन आपकी सप्लाई चेन की बात कर लें, इवन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या रहेगा? ट्रेड रहेगा एंड कॉमर्स इन एनी फॉर्म गुड डीम्ड एसेंशियल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द, किसके इंटरेस्ट के लिए? अरे जनरल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। तो दिस इज योर, दिस इज योर एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट। कि माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या चीज बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कंट्रोल करना है किसको? प्रोडक्शन को, सप्लाई को। अच्छा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? फिर ट्रेड भी करना है, कॉमर्स भी होता है, इन एनी फॉर्म। और जो एसेंशियल रहेगा, किसके लिए एसेंशियल है और किसके हित हक में जाएगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। क्लियर है? सो ये था आपका एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट, जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, अमेंडमेंट किए, किसके अंदर? आपको पता है ESA एक्ट के अंदर, 1955। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यहां पे लिखा द फंड्स विल बी प्रोवाइडेड। अब ये फंड प्रोवाइड किया गया फॉर सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस। अरे क्यों? ताकि आपका जो जो सप्लाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खराब ना हो जाए। चेंज वेयर हाउसिंग्स। अब वेयर हाउसेस किसके लिए? अरे वेयर हाउस आप लोग राइस, वीट, पोटैटोस, अनियंस के स्टोरेज के लिए आप लोग यूज करते हो, फॉर द लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज, जिसको बोलते हैं हम लोग सिलोस, एसाइंस, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग द यूनिट्स, ई मार्केटिंग पॉइंट। अरे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ई मार्केटिंग पॉइंट लिंक किया गया ई ट्रेडिंग से। हमने, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे अब क्लियर कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, अब यहां पे बात करते हैं ई ट्रेडिंग की। अरे हमने तो पहले ही देख ली थी इसके ऊपर एक करंट अफेयर, कि भारत सरकार ने ई ट्रेडिंग शुरू की है, एक वेब पोर्टल शुरू कर दिया, जिसके अंदर क्या रहता है, पूरा भारत ट्रेड करता है इसके ऊपर, ठीक है ना? वो कंसेप्ट हमने यहां पे भी यूज किया, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइपिंग चैम्बर्स, बिसाइड्स PPP, मतलब ट्रिपल पी मॉडल क्या रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट रहेगा, फॉर द क्रॉप एग्रीगेशन। स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया? सेंटर के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा और लोकल बॉडीज के द्वारा भी ये स्पॉन्सर किया जा रहा है। ये चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे लिखा है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब ये वाली जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट आती है? तो यहां पर लिखा 1 लाख करोड़ की विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो बैंक ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आपको 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता कर दी एज लोन्स, किसको? वो किया गया प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को। याद रखें अगेन प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये चीज डाटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका,
ठीक है, पैक्स को दिया गया, और किसको दिया गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। अरे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हुई कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर आती हैं, जो आप हमने पढ़ा था। फिर एक नया कंसेप्ट यहां पे आया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एफपीओ? मैं पूछता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एफपीओ, जिसको हमने बोला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो लिखें डाटा एड ऑन करके। यहां पे बोला गया, कहते अ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी, ये एक लीगल एंटिटी है फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और कौन कौन रहेंगे उसके अंदर, कौन कौन रहेंगे जिसके अंदर आप लोग बोल सकते हो आपके फार्मर्स किसान हो जाते हैं, इवन मिल्क प्रोड्यूसर्स भी हो जाएंगे, उसके बाद फिशरमैन्स, देन आफ्टर और कौन रहेगा, वीवर्स, देन आफ्टर रूरल आर्टिसंस, फिर क्राफ्ट्समैन। तो ये आपके एफपीओ की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आ गया, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। फार्मर्स आ गए, मिल्क प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिशरमैन आते हैं, वीवर्स आएंगे, रूरल आर्टिसन आएंगे और क्राफ्ट्समैन आएंगे। क्लियर है? तो आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एफपीओ और उसके अंदर कौन कौन आ रहा है। फिर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अरे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आम जनता मिलकर संगठित करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, छोटे छोटे ग्रुप्स को। उसके अंदर आप लोग फार्मर्स भी ले सकते हो। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स भी आते हैं। एक आता है मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ रही है हमारी, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, सेंट्रल स्टेट एजेंसीज आ रही हैं, लोकल बॉडीज आ रही हैं जो स्पॉन्सर की जाएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत। बार बार माय डियर स्टूडेंट्स बोलता हूं, प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बोल दिया था इंपॉर्टेंट है ये, मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये चीजें। अरे आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप्स अब इकट्ठे होकर हेल्प करने के लिए आ रहे हैं आगे। क्लियर है? नेक्स्ट आया यहां पे कि लोन विल बी डिसबर्स्ड इन द 4 ईयर्स। जो आपका लोन है, कर्जा है, वो 4 साल के लिए डिसबर्स किया गया, स्टार्टिंग विद द सेंक्शन ऑफ 10,000 crores इन द करंट ईयर, और वो रहेगा 30,000 crores तक, मतलब 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के लिए इन द नेक्स्ट 3 financial years। क्लियर है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आया मॉरेटोरियम्स फॉर रीपेमेंट मे वेरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। मैं यहां पे डाटा सारे का सारा क्लियर कर रहा हूं, याद रखें ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये वाला डाटा दिस इज योर प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है ओनली। ये चीज कि उसका जो टाइम पीरियड है मिनिमम कम से कम 6 महीने होगा और मैक्सिमम 2 साल के लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा इंटरेस्ट सबवेंशंस। अब जो लोन लिया उसके ऊपर कितनी ब्याज दर लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, कहते लोन विल हैव इंटरेस्ट सबवेंशंस ऑफ 3% पर एनम अप टू द लिमिट ऑफ 2 crores। कहते दिस सबवेंशन विल अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो ये कितने साल के लिए आपको सबवेंशंस मिल रहे, 7 ईयर्स, याद रखें ये चीज। क्लियर है? बढ़े आगे, आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो नंबर वन क्या चीज है, देखें, टू प्रोवाइड डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, क्यों, फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। क्लियर है? तो क्या चीज है, टू प्रोवाइड डेप्ट, कर्जा देना है फाइनेंसिंग फैसिलिटीज को फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फॉर द फार्मिंग एसेट्स। क्लियर है ये? सेकंड आपका यहां पे क्या लिखा गया, ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा है ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर आ रहा है, जो भारत सरकार ने लॉन्च किया, वो देख रहे हैं हम लोग। तो कॉर्पस 1,00,000 करोड़ का था, किसके लिए, एफपीओ, हमने अभी देख लिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये भी पढ़ लिया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पढ़ा, पैक्स को देख लिया, स्टार्टअप्स को देख लिया, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को देख लिया,
फॉर अदर फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज को, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। अब तीसरा पॉइंट रहा, कहते इंटरेस्ट सबवेंशन 3 साल का है हर साल के लिए, जिसको दिया गया 7 साल में। मॉरेटोरियम्स की अगर बात करें तो 6 मंथ से 2 साल के लिए है। स्कीम इंप्लीमेंट कब की गई है आपकी, फिफ्थ पॉइंट, अगस्त 2020 के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो 5 पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए ना, ये आप लोग ना प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक क्रक्स रहता है, याद रखें, बहुत क्रक्स रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स लेकर आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों के द्वारा यूज किया जा रहा है, जो खेती के अंदर यूज किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मॉडर्नाइजेशन किया, उसको लेकर अब क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं, याद रखें। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इवन मैंने प्रीलिम्स तो बोल ही दिया, यहां पे आप लोग मेंस को भी इंपॉर्टेंट समझें। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्लियर है। और ये स्कीम्स अगर देखिए यहां पे आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत भी लगा सकते हो आप लोग, जिस एक और स्कीम थी प्रधानमंत्री किसान, क्लियर है ना। तो ये सारे के सारे हमने एक लिस्ट बनानी है एग्रीकल्चर को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया। अगर अगर मुझे टाइम परमिट मिला तो मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर द स्कीम्स बेस्ड ऑन द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर ओनली, क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज को, सॉरी इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। एक आया अपने पास क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल, क्या रहेगा ये, एंटरप्राइजेस, मतलब CGTMSE स्कीम। ये क्या चीज है, अ क्रेडिट गारंटी कवरेज है, एक गारंटी दी थी क्रेडिट की, कवर कर रही है उसको। विल बी अवेलेबल फॉर द एलिजिबल बोरोवर्स फ्रॉम द स्कीम, जो लिखा गया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए स्कीम है, और लोन अप टू द 2 crores। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, बस जस्ट अ मिनट, आप लोग इसको थोड़ा सा देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय CGTMSE स्कीम जिसको हमने बोला है। तो इसके लिए थोड़ा सा डाटा आप लोग एड ऑन कर लें, ये स्कीम क्या चीज है। कहते एक तो, एक मिनट, यहां पे नंबर 1 बोलते हैं, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा ये आपकी स्कीम को लॉन्च किया गया था टू मेक अवेलेबल कोलेट्रल्स फ्री क्रेडिट टू किसको, टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर्स को। ये चीज आप लोग ध्यान में रखें। और अगर मैं इसके ऊपर एक डाटा और इंपॉर्टेंट ऐड कर दूं, मैं उसका पेन का कलर चेंज करके लिख रहा हूं, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको कॉन्ट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है, कहते कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, एंड सिडबी इन द रेशो ऑफ, कितना रेशो, 4:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये रहेगा कि आपकी भारत सरकार 4 टर्म्स का इन्वेस्टमेंट करेगी और सिडबी आपको कर देगी 1% का, क्लियर है। तो ये रहेगा आपका 4:1 का, कोई डाउट तो नहीं आपको यहां पर। आगे बढ़े, ओके अब यहां पे देखते हैं फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इवन हमने पढ़ लिया था कि इन केस ऑफ FPOs द क्रेडिट गारंटी मे बी अवेल्ड फ्रॉम द फैसिलिटी क्रिएटेड अंडर द FPO प्रमोशन स्कीम्स, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे की गई, कहते द फंड विल बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर, देखो मैनेज भी करना है उसको, मॉनिटर भी करना है, किसके थ्रू करना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, याद रखें, बहुत डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों के लिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम लोग ये स्कीम को मैनेज भी कर रहे हैं और मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्लियर है। कहते इट विल एनेबल ऑल द क्वालिफाइड एंटिटीज टू अप्लाई फॉर द लोन अंडर द फंड्स, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं,
द नेशनल स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज विल बी सेटअप टू एंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड द इफेक्टिव फीडबैक. क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज पे. हमारी अब की नेक्स्ट न्यूज रहती है आंध्र प्रदेश पोल पैनल चीफ केस. ये क्या चीज है? ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर टू के लिए. क्लियर है? तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं. बस जस्ट गिव मी वन. ओके स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम अब शुरू करते हैं. अभी कंटिन्यू कर रहे हैं जीएस पेपर टू के लिए ही आंध्र प्रदेश पोल पैनल चीफ केस क्या चीज है. तो देखिए यहां पे लिखा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब क्या है, जो भारत का सबसे उच्च न्यायालय है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया किसको टू पास एनी इंटरिम ऑर्डर्स. अब कोई भी ऑर्डर्स ऑन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए प्ली टू स्टे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर्स विच सेट असाइड द रीसेंट ऑर्डिनेंस पास बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. क्लियर? अब ये क्या चीज हुई यहां पे उसको भी देखते हैं. यहां लिखा गया द आंध्र प्रदेश पंचायत राज, जिसको बोला गया सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 वॉज ब्रॉट टू अमेंड द सेक्शन 200 ऑफ द आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994. प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्लियर? अब रेस्ट्रिक्टेड किसको किया गया? रेस्ट्रिक्टेड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट टू ओनली रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस. कंसेप्ट देखें, रेस्ट्रिक्टेड रोका गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट को टू ओनली रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस. कर्टेल द टेन्योर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फ्रॉम 5 years टू द 3 years. क्लियर? दिस कंपेल्ड द देन incumbent state election commissions to step down and a new commissioner was appointed. Again data important rahega yahan pe. Yahan likha the amendments under the ordinance. Ab ye amendment jo aaya is ordinance ko lekar were change in the high courts. Clear hai data yahan tak? Badhe aage next dekhte hain. Yahan likha gaya ab jo high courts hai kehte the high court had set aside. Ab unhone kya set kiya hai? Amendments on the restriction of state election commission post by saying, तो क्या बोला गया, जो ordinance does not qualify the test of reasonableness specified in article 14 of the constitution of India. Clear? हालांकि ये चीज में कुछ ज्यादा important था नहीं, समझाने वाला एक basic लिखा हुआ है यहां पर. नेक्स्ट आया हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की क्या बोलती है. उन्होंने ऑब्जर्व भी किया दैट अपॉइंटमेंट जो की गई है न्यूली इकम्बेंट हैज बीन मेड बाय द गवर्नर इन एक्सरसाइज. तो जो न्यूली अपॉइंटमेंट्स की गई गवर्नर के द्वारा और गवर्नर ने अपनी कौन सी पावर को एक्सरसाइज किया वो थी अंडर द सेक्शन 200 ऑफ द आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट एंड नॉट अंडर द आर्टिकल 243(k)(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मैं डाटा प्रिलिम्स के लिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट बोलता हूं कि गवर्नर ने कौन से सेक्शन के अंदर वो अपॉइंटमेंट कर दी रेदर देन दैट 243(k) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? नेक्स्ट आ गया यहां पे बोला गया इट रूल्ड. तो क्या रूलिंग आई? दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड फंक्शनरी अंडर द आर्टिकल 243(k)(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज राइट टू फंक्शन टिल कंप्लीट ऑफ द टेन्योर. अब आपको कंसेप्ट आ गया, अब आपको प्रॉब्लम पता लग गई थी. यहां पे बोला गया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंड फंक्शनरी है. किसके तहत, कौन से कानून के तहत? वो आता है आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज राइट. तो उनको अधिकार भी है कि वो अपना काम पूरे तरीके से करें और कंप्लीट करें जब तक उनकी टेन्योर खत्म नहीं होती है. क्लियर? अब यहां पर लिखा, अब इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो संविधान में लिखा द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल नॉट बी रिमूव. तो उसको जो स्टेट का, राज्य का इलेक्शन कमीशन होगा, कमिश्नर है, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा अपने ऑफिस से एक्सेप्ट इन द लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी वेरिड To his disadvantage after his appointment. ये क्लियर हुआ यहां पे आपको? कोई डाउट तो नहीं है आपको?
आगे बढ़ते हैं और न्यूज देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या चीज रहती है उसको डिस्कस कर लेते एक बार। अब कंसेप्ट यहाँ पे ये चीज रखना, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। याद रखना इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन करवाते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन मोस्टली आपका पंचायती राज के इलेक्शन करवा रहे हैं। क्लियर? जिसको थर्ड टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया। तो यहाँ पे लिखा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, बिल्कुल ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग बनाएगा उसको। इट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द फंक्शंस ऑफ, अब उसका मेन फंक्शन क्या है किसका, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, उनका मेन फंक्शन है कंडक्टिंग फ्री फेयर एंड द इम्पार्शियल इलेक्शंस। अरे कंसेप्ट देखें, एक तो फ्री और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाली एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस करवानी है, किसके लिए, लोकल बॉडीज के लिए, उसी राज्य में जहां के वो इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक, यहां पे लिखा आर्टिकल 243(1) के अकॉर्डिंग क्या चीज है, तो इट स्टेट्स दैट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शंस एंड द कंट्रोल ऑफ प्रेपरेशन। अब कंसेप्ट है एक तो निगरानी रखना किस दिशा में जा रही है इलेक्शंस, और उसके ऊपर कंट्रोल रखना प्रेपरेशंस को लेकर इलेक्शन की, एंड कंडक्ट करवानी है इलेक्शंस किसकी, ऑल इलेक्शंस ऑफ द पंचायत्स, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज अंडर द आर्टिकल 243(ZA) शैल बी वेस्टेड इन अ स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मैं इस चीज को यहां पे आपके लिए लिख देता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि हैबिट है यहां पे जो रहेगी, एक तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस मेंस के लिए आपको यहां पे एक वेल डिफाइंड ना, एक बहुत क्रक्सी सा मिल गया, बहुत छोटा पॉइंट मिल गया कि आर्टिकल 243(1) के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? इवन यहां पे ये भी मेंशन है जो हमने लिखा है कि इलेक्शंस ऑफ पंचायत, अरे उसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज भी आ सकती हैं, और वो कौन से कानून के तहत आ रहा है, वो आ रहा है आर्टिकल 243(ZA) के अंदर आ रहा है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। क्लियर? क्योंकि हम लोग हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमारा कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर ना ही स्किप हो पाए। क्लियर? हम लोग हर एक चीज के लिए पहले से ही प्रिपरेशंस करके रखेंगे अपनी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243(K)(2) के अकॉर्डिंग क्या चीज है, कहते इट स्टेट्स दैट जो टेन्योर है, अपॉइंटमेंट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, वो डायरेक्टेड है एज पर द लॉज, जो कानून में तहत लिखी हुई है, मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो स्टेट के संविधान के अंदर लिखी हुई है। ठीक है? हाउएवर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज अ जजेस ऑफ हाईकोर्ट। तो यहाँ पे इस संविधान के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जजेस ऑफ हाईकोर्ट की आप लोग क्या कर देते हो, रिमूव करते हो, इम्पीचमेंट कर देते हो। क्यों कर देते हो? या तो फिर उनसे हैंडल नहीं हुआ, या फिर उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहा उसका, तो उसके लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस रहता है, तो उसी तरीके से हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन को कभी रिमूव नहीं कर सकते फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऑन द ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? एक कंसेप्ट मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, किसी को कोई भी डाउट रहेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे लिखा डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबिलिटी टेस्ट, ये भी इसी के अंदर आता है। कहते इट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय द इंडियन जुडिशरी अकॉर्डिंग टू इट। अब इसी के अकॉर्डिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबिलिटी के टेस्ट के अकॉर्डिंग टू इट, एनी एक्सेप्शन टू इक्वेलिटी इज परमिसिबल ओनली इफ स्टेट हैज justifiable reason for the treating people differently। अगर स्टेट के पास एक वैलिड रीजन है क्यों आपने दूसरे इंसान को ट्रीट किया डिफरेंटली एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। कहते इट मींस इफ लॉ मेक्स अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, अगर एक कानून ने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन दे दिया ऑफ अ ग्रुप फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट, कि अब एक संघ के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया और उसके लिए क्लैरिफिकेशन प्रॉपर रीजनेबल है,
इट विल नॉट वायलेट द आर्टिकल 14 जो हमारे अरे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है ना कि राइट टू इक्वेलिटी, यहाँ पे लिखा है ना कि राइट टू इक्वेलिटी, अगर हमारे पास कानून के अंदर ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि आपने इस संघ के लोगों को क्यों आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, तो राइट टू इक्वेलिटी कभी वायलेट नहीं होते, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबिलिटी टेस्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है फिशरमैन इश्यूज विद श्रीलंका। तो ये रहा हमारा भारत और ये रहा हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। क्लियर है, पढ़ते हैं इसको आराम से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा कि श्रीलंका नदन फिशरमैन हैव रिपोर्टेड, तो श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं नॉर्थ की तरफ रहते हैं जो, उन्होंने रिपोर्ट किया अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन ट्रॉलर्स स्पॉटेड इन इट्स टेरिटोरियल वाटर। उन्होंने ये बोल दिया है कि अब जो इंडियन ट्रॉलर्स हैं वो श्रीलंका की टेरिटरी में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, ये श्रीलंका का बोलना है। यहाँ लिखा द टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स सीवर्ड अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कंट्री। अरे कंसेप्ट क्या है कि यहां से आप लोग कितना आगे जा रहे हो, 12 नॉटिकल माइल्स तक का श्रीलंका के पास टेरिटोरियल बाउंड्री है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये यहां पर डिस्कस किया है। आगे देखते हैं और आगे चलते हैं, प्रॉपर न्यूज को पढ़ते हैं हम लोग। यहां पे लिखा फिशरमैन अलोंग द नदन कोस्ट ऑफ जाफना। अरे जाफना कहां पे देखने को मिल गया हमें, माय डियर स्टूडेंट्स, जाफना हमें ये रहा आपका, दिस इज योर जाफना, दिस इज योर जाफना। तो यहां पे लिखा अलोंग द नदन कोस्ट ऑफ जाफना पेनिनसुला हैव लॉस्ट देयर नेट्स वर्थ लैक ऑफ रुपीज, क्यों इन द सी, अरे क्यों, आफ्टर बींग कॉट अंडर द लार्ज इंडियन ट्रॉलर्स, दीज इंडियन ट्रॉलर्स आर नोन टू ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। तो कंसेप्ट आप यहां से देखें, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। यहां पे आया कि इंट्रोडक्शन किया गया था इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन का, वो क्या चीज है, और देखते हैं। यहां लिखा कि इंडियन बोट्स have been fishing in the troubled water for the centuries and had a free run of Bay of Bengal। बिल्कुल ठीक है कि बंगाल की खाड़ी में वो फ्रीली वहां पे ट्रॉल कर रहे हैं, पार्क बे में कर रहे हैं। अरे पार्क बे आपका कहां पे देखने को मिल जाएगा, पार्क बे आपका यहां पे देखने को मिल रहा है। क्लियर ना, नेक्स्ट आता है यहां पे लिखा गल्फ ऑफ मन्नार। अरे गल्फ ऑफ मन्नार आपका कहां पे देखने को मिला, कोई बताएगा, सो दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर, अंटिल 1974 से 1976 के बीच में जब ट्रीटी आई, व्हेन ट्रीटीज वर साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज टू डीमार्केट द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन IMBL जिसको बोला गया। क्लियर, डाउट तो नहीं, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे आता है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट आया ये क्या रहेगा आपका, कचातेवा आइलैंड इशू। अरे ये रहा आपका, जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको जूम करके आप लोग देख लो, सो दिस इज योर कचा तेवू आइलैंड। क्लियर ना, और ये जाफना के पास है और इन बिटवीन आपका इंडिया के पास भी रहेगा, और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो ये आइलैंड आपको देखने को मिला वो कहाँ देखने को मिल गया, अरे ये तो हमारे पास पार्क स्ट्रेट्स में देखने को मिल गया। क्लियर, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे बोला कहते द स्मॉल आइलैंड ऑफ कचातेवू, वो क्या चीज है, हेथरेटू यूज बाय देम फॉर सॉर्टिंग देयर कैच एंड ड्राइंग देयर नेट्स फिल ऑन द अदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन। अब ये क्या चीज है, कहते फिशरमैन ऑफन रिस्क देयर लाइव्स एंड क्रॉस द IMBL रेदर देन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। अब क्या है, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो रिस्क लेकर इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाते हैं ताकि उन्हें खाली हाथ ना लौटना पड़े, बट श्रीलंकन नेवी इज ऑन अलर्ट, जो श्रीलंका की नेवी है वो अलर्ट पर रहती है, एंड हैव आइदर अरेस्टेड, तो कभी कभी उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, या फिर डिस्ट्रॉइंग द फिशिंग नेट्स एंड द वेसल्स ऑफ दोज हु हैव क्रॉस द लाइन। क्लियर है, तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये आप लोग यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसके कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल योर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन, हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं अगर पेपर में कोई चीज पूछी जाती है लेकर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर। क्लियर है ना,
अब यहाँ पे लिखा गया पेइंग फॉर द क्रॉस लाइन, यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं 185 बोट्स सीज बाय द श्रीलंकन नेवी बिटवीन जनवरी 15 से जनवरी 18। अरे ये एक डाटा है कि भारत की 185 बोट्स को पकड़ लिया गया था श्रीलंका के द्वारा। अब इम्प्रिजनमेंट हुई 2 साल की विद फाइन्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बोट इन द श्रीलंकन रूपीज। कहते फाइन फॉर द 15 मीटर बोट 20 लाख, फाइन फॉर द 15 मीटर बोट टू द 24 मीटर बोट 2 करोड़, 24 से 45 मीटर की बोट के लिए फाइन किया 10 करोड़ रुपए का, और 45 से 75 मीटर बोट के लिए 15 करोड़, और 75 मीटर वाली बोट को 17.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है। इंजरीज कितनी हुई है 386, और 188 पीपल आर किल्ड, और जिसमें से 82 आर स्टिल मिसिंग, ये डाटा है। नेक्स्ट आया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्रीमेंट्स, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए जो हमने एग्रीमेंट किया है। यहाँ पे लिखा कि दोनों देश भारत और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन सर्टन प्रैक्टिकल एग्रीमेंट टू डील विद द इशू। अरे इस इशू को डील करना है, ऑफ बोनाफाइड फिशरमैन ऑन द आइदर साइड्स क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री, बिल्कुल ठीक है ना, जो IMBL को क्रॉस कर रहे हैं। कहते इंडिया एंड श्रीलंका हैव एग्रीड, अब दोनों देश एग्री कर चुके हैं टू सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए प्रिलिम्स प्लस मेंस, अरे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम होने के बाद ही तो दोनों देशों ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप संगठित किया ऑन फिशरमेंस बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एक्वेटिक रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द श्रीलंका। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये तो बोल देते हैं कि दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना, अरे वो तो बन गया, बट भारत की तरफ से कौन सा मंत्रालय आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया, और श्रीलंका की तरफ से मंत्रालय आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एक्वेटिक रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका। ये चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है एज द मैकेनिज्म टू हेल्प फाइंड permanent solutions to the fishermen issues. यहाँ पे even ये भी लिखा गया the Srilankan fishermen fear that their livelihood will be hit due to trawlers which are already under the strain due to the coronavirus pandemic, जो दबाव में है COVID-19 को लेकर induced region in the exports. Clear यहाँ तक? कोई भी doubt है तो आप लोग comment section में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया In the last couple of years, Sri Lanka have introduced tougher laws banning bottom trawling and has also introduced heavy fines. ये हमने अभी देखा है. Even Sri Lanka Navy arrested 450 Indian fishermen जो 2017 में थे और 2018 में 156, ये अभी हमने देखा न्यूज़ को. On the charges of poaching, a total 210 arrested were made in 2019 और 34 हो गए थे 2020 में. और यहाँ पे लिखा है कि 1950 से 75 तक Both India and Sri Lanka fishermen have country boats. बिल्कुल ठीक है. Both sides used to fish together and were cordoned toward each other. 1975 से 1983 के बीच में क्या होता है कि Indian fishermen starting procuring mechanized trawlers. Clear है ना? ये चीज आप लोग यहाँ पे लिखें. अब यहाँ पे लिखा कि why is ट्रॉलिंग बैड, क्यों है बैड, यहाँ पे लिखा इंटेंसिव ट्रॉलिंग रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रॉलिंग करोगे तो डिप्लीशन होता है ना किसका, फिशेस का। अरे इसकी भी तो प्रजाति रहती है, इसकी भी स्पीशीज रहती है जो एक्सटेंट हो सकती हैं, जो वल्नरेबल हो चुकी हैं, वो कंसेप्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट आया, कहते द श्रीलंकन फिशरमैन हैव बीन एलिजिंग दैट करंटली द श्रीलंकन नेवी इज रिलक्टेंट टू अरेस्ट द trespassing fishermen from Tamil Nadu due to COVID-19. However, the Sri Lankan Navy claimed to be very vigilant along their borders, not just to monitor illegal fishing, but also take action on any illicit activities such as narcotics trade. अरे narcotics trade को भी लेकर Sri Lankan Coast Guards काफी ज़्यादा सतर्क रहते, जिसको हम लोग बोलते smuggling drugs के लिए लेकर यहाँ पे, clear? आगे बढ़ते हैं। हमारी next news रहती है पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू डिले द पोल्स, और ये आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए। शुरू करें, ओके यहां से शुरू करते हैं। यहां पे आया, कहते द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव वॉइस दैट देयर कंसर्न ओवर द होल्डिंग इलेक्शंस इन द बिहार एमिड द COVID-19 पैंडेमिक एंड आस्क्ड टू पोस्टपोन द सेम। अब ये चीज यू न्यूज आ गई बाहर, आप समझ गए होगे।
बिहार की इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक आउटब्रेक हो चुका था, तो बोल रहे थे कि बिहार की इलेक्शंस को क्यों ना पोस्टपोन कर दिया जाए। तभी तो न्यूज बन गई कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू डिले द पोल्स। क्लियर? यहां पे लिखा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मैंडेट अंडर द लॉ। तो मैंडेट कौन सा कानून है? टू होल्ड इलेक्शंस एट एनी टाइम विद इन द 6 months बिफोर द 5 year टर्म्स ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपायर। अरे प्रिलिम्स से तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ गया ये वाला आपका। क्लियर है ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? बस आप लोग ये वाला डाटा भी प्लीज एड ऑन कीजिए स्टूडेंट्स। ECI जिसको अभी आपने बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? अब देखना शुरू करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए शुरू करते हैं। नंबर वन, तो क्या चीज है? कहते इट इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी। एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस को लेकर भारत के अंदर। क्लियर? अब हम देखें ये कौन से एडमिशन करती है। यहां पे लिखा द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शंस टू द, अरे किस किस को? टू द लोकसभा। क्लियर है? और किसके लिए? राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ध्यान में रखिए आप चीजें, ठीक है? और कौन कौन सा? ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है ना, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट अगर नेक्स्ट बात याद करें यहां पे कहते पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये क्या डिक्लेयर करता है? पार्ट 15 भारत सरकार के संविधान का लिखा गया है कि डील विद द इलेक्शंस एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। अरे स्टूडेंट्स आप लोग यहां पे फोकस करें, इस कानून के अंदर जो पार्ट 15 में लिखा है कि हमें एक ऐसा एस्टैब्लिश करना है इलेक्शंस को लेकर कमीशन को जो ये मैटर्स को संभाल पाए। क्लियर है? अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर। इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर देखे कहते ECI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द Constitution on 25th of January. अरे 25 जनवरी को हो गया था, कब? 1950 में, याद रखें 1950 में, कब? 25 जनवरी। तो कोई डाउट तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या चीज है और ये कौन कौन से इलेक्शंस को करवा रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं, ये पूरी न्यूज को कवर अप करते हैं हम लोग। यहां पे लिखा गया इवन कि द पोल्स आर टाइम्ड इन वे दैट द न्यू असेंबली और द लोकसभा इज इन प्लेस ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द आउटगोइंग हाउस। क्लियर? यहां पे लिखा फॉर इंस्टांस, अब जैसा कि इन द केस ऑफ बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नॉर्मली कंडक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस बिफोर एंड ऑफ इट्स टाइम ऑन 29th ऑफ नवंबर 2020 से पहले,
क्योंकि यहां पे लिखा है ना इन डे ऑफ द डिसोल्यूशन, मतलब क्या रहेगा कि एक मिनट यहां पे लिखा एट ए टाइम विद इन द 6 months, अरे 6 महीने के अंदर अंदर उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले, 5 साल वाला। नेक्स्ट आया इन केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन, अगर कार्यकाल खत्म होने से पहले ही जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन हैज टू एंश्योर अ न्यूली लोकसभा या फिर असेंबली इज इन प्लेस विद इन द 6 months ऑफ द डिसोल्यूशन। तो 6 महीने के अंतर्गत ही हमें या तो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर से अपॉइंट करना होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? आगे बढ़े, यहां लिखा कि एन इलेक्शन वंस कॉल्ड यूजुअली प्रोसीड एज पर द शेड्यूल, बिल्कुल ठीक है। However, in some exception cases, अब कुछ exceptions cases आ रहे हैं, जैसे कि बिहार में ऊपर से COVID-19 outbreak हो चुका है, कहते the process can be postponed or even scrapped after its announcement under the extraordinary circumstances। ये concept important है, जब पूरे देश के अंदर कुछ extraordinary circumstances हो जाए तो हम उसको postpone या फिर scrap भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है under the extraordinary circumstances के अंदर, बट याद रखें ये चीज। तो यहां पे लिखा कि अंडर द सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, अब इस 1951 के तहत जो सेक्शन 153 में लिखा कि रीड आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर कंप्लीटिंग द इलेक्शंस, बट सच एक्सटेंशन शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेट ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सेकेंड पॉइंट था, कहते हैं इन 1991 द इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन द ऑन गोइंग पार्लियामेंट इलेक्शन फॉर 3 weeks, क्यों? अरे पार्लियामेंट की जो इलेक्शन थी 3 हफ्तों के लिए स्थगित कर दी गई थी आफ्टर द राजीव गांधी असासिनेशन ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन तमिलनाडु। ये एग्जाम्पल है एक तो जो हो भी चुका है, आपने देखा है ये चीज को। थर्ड पॉइंट आया, रिसेंटली इन मार्च 2020 इलेक्शंस टू द 18 राज्यसभा सीट्स वर पोस्टपोन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। तो ये डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अरे ये हमारे पॉलिटी वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो बोलते हैं जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस तरीके की न्यूज आपको। और हमारे पास ये एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि पावर्स के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे लिखा कि आर्टिकल 172 क्लॉज 1 में क्या लिखा, जो राज्य हैं इन केस ऑफ स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी, अगर वो राज्य के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो रखी है एंड इलेक्शन, तो उस राज्य के इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाता है 1 साल के लिए, कभी भी कर सकते हो इन एडिशन टू अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी इज लिफ्टेड। इवन अगर तो राज्य सरकार, अगर वो राज्य में इलेक्शंस होने थे बट इमरजेंसी लग रखी है, तो 1 साल के लिए इलेक्शंस पोस्टपोन हो सकते हैं, प्लस 6 months और एडिशन लगा दिया आफ्टर द इमरजेंसी इज लिफ्टेड। क्लियर, यहां पे लिखा कि देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन, हालांकि कोई ऐसी स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं है कि स्पेसिफाई कर दे जो सर्कमस्टांसेस हैं अंडर विच द इलेक्शंस कैन बी डिफर्ड इन नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस। क्लियर, हाउएवर लॉ एंड ऑर्डर नेचुरल कैलामिटीज, ये देखें लॉ एंड ऑर्डर natural calamities like earthquakes and floods or any other compelling circumstances which are beyond the election commission control can be the grounds for the extension। जो हम लोग बोलते हैं जो natural disasters हैं उस चीज को लेकर जो election commission के अंदर आ ही नहीं रहे, तब हम लोग बोल देते हैं कि वो grounds हम लोग use कर सकते हैं election commission ने बोला extend करने के लिए, किसको, elections को, जैसा कि अभी COVID-19 है। अब ये क्या चीज है, ये disaster है, तो उसी ने बेस बन गया किसका, election commission of India ने postpone करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर अंडर द 153 कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर एन इलेक्शन शेड्यूल हैज बीन नोटिस्ड। अब ये कंसेप्ट याद रखें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये चीज हमें इस तरीके के क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि चूज द करेक्ट वन ऑप्शन। ठीक है, तो पावर जो 153 के अंदर लिखी हुई है वो हम तभी यूज कर सकते हैं जब इलेक्शन का शेड्यूल नोटिफाई कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कहते If the election commission want to postpone the Bihar elections, it will have to be done through its extraordinary powers under the Article 324. ये concept याद रखें, ये important है।
अंडर आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन विल हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू होल्ड द पोल्स ऑन द टाइम. क्लियर? 153 का इस्तेमाल तब कर देंगे जब नोटिफाई हो चुका होगा. यहां पे लिखा द गवर्नमेंट कैन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स टू इम्पोज प्रेजिडेंट रूल और अलाउ द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर्स टू कॉन्टिन्यू फॉर द 6 more months. क्लियर? अगेन डाटा इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट तो नहीं है. हालांकि ये आपकी पूरी स्लाइड है आपके प्रिलिम्स प्लस मेंस के लिए काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है. इस चीज को ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर आती है आप लोगों के लिए. आगे बढ़ते हैं और चीज देखते हैं. यहां पे हम लोग हमारी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. तो हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज क्या रहेगी? इमरजेंसी COVID-19 ड्रग को लेकर. जस्ट अ मिनट. तो स्टूडेंट्स ये न्यूज जो आपकी आ रही है ये स्लाइड थोड़ी सी जल्दी आ चुकी है. रेदर देन हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी दिस वन. सो दिस इज योर पद्मनम भास्वमी टेम्पल इशू. तो ये टेम्पल का क्या इशू हो चुका है ये हम लोग पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 1 के लिए. तो शुरू करें, ये देखते हैं. यहां पे लिखा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द राइट्स ऑफ. किसके अधिकार हैं राइट्स ऑफ? त्रावणकोर रॉयल फैमिली का. त्रावणकोर रॉयल फैमिली टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइटी एट श्री पद्मानम भस्वामी टेम्पल इन तिरुवेंद्रपुरम केरला. अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखें ये डाटा. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कहते ऑल द टेम्पल्स सभी के सारे टेम्पल्स which were under the management of the erstwhile princely states of the Travancore and the Cochin were controlled. अब वो सारे के सारे मंदिर जो princely states of Travancore के अंडर आते हैं and Cochin के भी वर्क, अब उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? Travancore and the Cochin deva some boards after the 1947. भारत के इंडिपेंडेंस होने के बाद ये सभी मंदिरों को मैनेजमेंट किया जा रहा है त्रावणकोर की रॉयल फैमिली के द्वारा एंड कोचीन देवस्वम बोर्ड के द्वारा बिफोर 1947, सॉरी बिफोर मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले. क्लियर है? आगे देखते हैं. कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन. अब कंसेप्ट है, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत जो साइंड किया गया बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अरे ये हमें अपने हिस्ट्री की याद दिला रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत जो प्रिंसली स्टेट्स और भारत सरकार के बीच में असाइन हुआ था, मेमोरेंडम बोल सकते हो, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पद्मानम भस्वामी टेम्पल वॉज वेस्टेड इन द ट्रस्ट इन द रूलर्स ऑफ त्रावणकोर. की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथों में रहेगा? ट्रस्ट ऑफ रूलर ऑफ त्रावणकोर के सिंस 1949. बिल्कुल ठीक. कहते द स्टेट ऑफ केरला केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1956. इवन ये 1949 में सिग्नेचर्स हो चुके थे बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका. अब केरला राज्य 1956 में आया बट द टेम्पल कॉन्टिन्यू टू बी मैनेज बाय द रॉयल फैमिलीज. तो भी केरला राज्य बना 1956 में, तब भी ये जो आपका पद्मनमन भस्वामी टेम्पल है फिर भी वो रॉयल फैमिली के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा था त्रावणकोर की. अब 1971 में द प्रीवियस पर्पस सॉरी पर्पसेस टू द फॉर्मर रॉयल्स वर एबॉलिश थ्रू 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर द रीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी स्ट्रिपिंग द एंटाइटलमेंट्स एंड द प्रिविलेजेस. क्लियर? कहते अब क्या हुआ, अब डेथ आफ्टर डेथ ऑफ द लास्ट त्रावणकोर रूलर 1991 में द स्टेट गवर्नमेंट, तो केरला सरकार ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल टू बी टेकन ओवर, कि अब वो केरला सरकार पद्मनम भास्वामी टेम्पल का मैनेजमेंट केरला सरकार ओवरटेक कर रही है एंड रिटेन्ड बाय हिज यंगर ब्रदर. कौन थे वो? वो हैं उद्राधम थिरुनोल मर्थांड वर्णम वर्मा. सॉरी. क्लियर? ये क्या चीज है? यहां पे लिखा कि द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट डेथ ऑफ द रूलर. अरे जो लास्ट रूलर की डेथ होगी 1991 में, जो यहां पे मेंशनड है ना कि आफ्टर डेथ ऑफ लास्ट त्रावणकोर रूलर 1991 में, तो एपेक्स कोर्ट क्या बोलता है? हेल्ड दैट
डेथ ऑफ रूलर डज नॉट अफेक्ट द रॉयल फैमिलीज. अब कंसेप्ट है, एपेक्स बोर्ड कोर्ट ने बोल दिया कि हालांकि लास्ट रूलर त्रावण कोर की अगर डेथ भी हो चुकी है तब भी वो रॉयल फैमिलीज को अफेक्ट नहीं करेगा सेबाशिप ऑफ द टेम्पल्स के लिए. द सेबाशिप वॉज ऑलवेज इन द रॉयल फैमिली एंड द रूरल रूलर्स रिप्रेजेंटेड द अनब्रोकन लाइन ऑफ सेबाटेट्स. क्लियर, ये चीज आप नोट करके रखें. यहां पे लिखा द सेबाशिप डज नॉट लैप्स, अब वो खत्म नहीं हो जाएगी, इन द फेवर ऑफ द स्टेट बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. मतलब रिवर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द स्टेट, ये कंसेप्ट है. अरे प्रिंसिपल कौन सा है, स्टेट मतलब रिवर्जन, फिर से जो प्रॉपर्टी है वो राज्य सरकार को चली जाए, उसके तहत नहीं होगा. यहां पर लिखा द कोर्ट डिफाइंड, अब कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने डेफिनेशन दी किसकी, शेबात की, एज द कस्टोडियन ऑफ द आइडल. अरे कस्टोडियन मतलब जो देख रेख करते हैं, जो करता धरता है वो आइडल के, वो भगवान के. इट्स अर्थली स्पोक्समैन, इट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड टू डील विद ऑल इट्स टेम्पोरल अफेयर्स एंड टू मैनेज इट्स प्रॉपर्टी. कंसेप्ट देखें, वो ही मैनेज करेंगे उनकी प्रॉपर्टी को. क्लियर है ना, ये एपेक्स कोर्ट ने बोला. बढ़ते हैं आगे, यहां पे लिखा एक फर्स्ट कमेटी बैठी फिर इसी के ऊपर, जो फर्स्ट कमेटी के तहत क्या था कि इट डायरेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट किया कि सेटिंग अप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जो फर्स्ट कमेटी के तहत था विद द तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट जजेस एज इट्स चेयरपर्सन. कंसेप्ट है, वो फर्स्ट कमेटी के अंदर जो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के जजेस हैं उसके वो चेयरमैन होंगे फर्स्ट कमेटी के, याद रखें इस चीज को. ठीक है, नेक्स्ट बोला अदर मेंबर्स, बाकी मेंबर विल इंक्लूड नॉमिनी ऑफ द ट्रस्टी, जो रॉयल फैमिली से हैं, विद द चीफ थंत्री ऑफ द टेंपल, अ नॉमिनी ऑफ द स्टेट एंड अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर. माय डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए. नेक्स्ट आया सेकेंड कमेटी, फिर से बैठी फर्स्ट कमेटी के बाद, ये लिखते हैं द कोर्ट ऑर्डर अ सेकेंड कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड to advise the administrative committee on the policy matters. अब policy matters को लेकर advise करना है तो second committee बैठती है. यहाँ पे बोला गया it will be chaired by the, अब इसको chair कौन करेगा, retired high court judges, nominate किया गया जो chief justice of Kerala high court के द्वारा. कहते both committees should start functioning with the next 2 months and an executive officer should be appointed without delay. Clear यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं. अब आप थोड़ा सा डिटेल में अगर देखा जाए तो पद्मानम बाश्वामी टेम्पल क्या है, ये बोलते हैं ये एक मंदिर है. द टेम्पल डेट्स बैक टू 8th century से जो ये मंदिर है, बट द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, बट जो आज का स्ट्रक्चर है वो बिल्ड किया गया था 18th दशक में, 18th century में. किसके द्वारा, बाय द त्रावणकोर महाराज मारथंडा वर्मा. इम्पॉर्टेंट, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस में तो है ही इंपॉर्टेंट, याद रखना ये चीज. कौन सा, 18th century में जो आज का स्ट्रक्चर दिखता है वो 18th century में बनाया गया था बाय त्रावणकोर महाराज मारथंडा वर्मा के द्वारा. और कहते इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड ग्रेनाइट, इट इज बिल्ट इन, अब इसको बिल्ट किया गया चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के तरह. कौन सा स्टाइल है, चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो आपने ये चीज पढ़ी है कि आर्ट एंड कल्चर में हमें एक टॉपिक रहता है अलग से, द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेंपल. तो वो टेंपल कौन सा स्टाइल है, चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. एंड इट्स मेन डाइटी इज, अब कौन मेन भगवान है, लॉर्ड विष्णु, हु इज फाउंड इन द अनंथा शानन पोस्चर. अब कौन सा पोस्चर है विष्णु भगवान का, वो है अनंथा शानन पोस्चर, मतलब रिक्लाइंड पोस्चर ऑफ इस्नल योगा ऑन आदिशीष और द किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स. कहते इट इज वन ऑफ द 108 होली टेंपल्स एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म इन इंडिया. मैं तो ये सारे का सारा बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, ये स्लाइड को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. क्लियर है, तो स्टूडेंट्स हमारी आज का सेशन यहीं तक कवर करता हूं मैं, और नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग जुलाई के करंट अफेयर्स को ही कवर अप करेंगे इसी तरीके से विद द वेरी डिटेल्ड मैनर. और रिक्वेस्ट करूंगा किसी को कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखकर बताइएगा.
और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।